हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है जीरो शैडो डे 2023। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो शैडो डे से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट हैं और साथ ही साथ सन और अर्थ की क्या क्या पोजीशंस हैं और इस इवेंट के पीछे के कारण क्या हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2023 का जो जीरो शैडो डे है वो अप्रैल 25 को देखा गया। बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में, जो कि कोरमंगला कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर किया गया था। 25 अप्रैल को ठीक 12:17 पर इस इवेंट को देखा गया। अब अगर हम बात करें कि ये इवेंट होता क्यों है, जब भी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है, एक ऐसा समय आता है कि वो इक्वेटर के पास होता है, यानी कि जो मिडिल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। 1 से 2 मिनट के लिए जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पे ठीक 90 डिग्री के एंगल पे गिरती हैं, और उस समय अगर कोई भी ऑब्जेक्ट धरती पे होगा उसके ऊपर भी वो जो रेज हैं वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी, और इस कारण से कोई भी शैडो देखने को हमें नहीं मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इस इवेंट की, तो ये इवेंट साल में 2 बार देखा जा सकता है। इस इवेंट का जो टाइमिंग होती है पृथ्वी पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट की होती है, नहीं तो 1 मिनट की। इससे ज़्यादा जो है ये इवेंट नहीं देखा जाता है, क्योंकि सन अपनी मूवमेंट, जो अपनी पोजीशन है वो बदलते रहता है। 2023 का जो पहला जीरो शैडो इवेंट था वो 25 अप्रैल को हुआ, और दूसरा जीरो शैडो डे है वो देखा जाएगा 18 अगस्त को, और इसका इवेंट सेम बेंगलुरु में ही कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे कॉज की। कॉज यानी कि अभी तो हमने देखी कि सन के मूवमेंट की वजह से इस चीज़ को देखा जा रहा है, लेकिन पृथ्वी की क्या भूमिका है जीरो शैडो डे के अंदर। देखिए, पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री जो एक्सिस है उस पर टिल्टेड है। इस टिल्टेशन के ही कारण जब सन इक्वेटर के पास आता है तो उसकी जो रेज हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना पाती हैं, और इसी कारण से जो है जीरो शैडो डे देखा जाता है। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो हम ये इवेंट नहीं देख पाते। तो ये चीज़ खासा ध्यान रखनी है कि हमारी अर्थ का जो टिल्टेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर इवेंट में। अब हम देखेंगे कि अकरेंस क्या है, यानी कौन कौन से दिन जीरो शैडो डे को देखा जाता है। पहला है उत्तरायण के दिन, यानी कि जब सूरज जो है सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी कि ये मूव करता है समर सोलस्टिस से विंटर सोलस्टिस की तरफ। और दूसरा जो इवेंट है वो होगा दक्षिणायन के दौरान, यानी कि जब सन जो है नॉर्थ से साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर दो और टर्मिनोलॉजी हैं, समर एंड विंटर सोलस्टिस, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हम इंडिया को नज़र में रखते हुए इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो ये सारी जो विंटर सोलस्टिस हैं, जो समर सोलस्टिस हैं, ये हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग भी बदलते रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा नो शैडो डे है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग समय पे होता है। जैसे भारत में 25 अप्रैल को 12:17 PM पे हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ठीक उसी समय बाकी हिस्सों में भी उसी टाइमिंग पर हुआ हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड में जो जीरो शैडो डे है वो अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से देखा जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे विंटर सोलस्टिस की। देखिए, भारत में December 21 को ये दिन देखा जाता है। ये जो दिन होता है ये सबसे साल का छोटा दिन होता है। इस समय ये सबसे छोटा दिन किस हेमिस्फीयर का होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो विंटर सोलस्टिस कब होता है, December 21, सबसे छोटा दिन साल का, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक उसी समय December 21 को अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में लोग समर सोलस्टिस ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि December 21 को जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा उसी समय साउथ हेमिस्फीयर अपना सबसे साल का बड़ा दिन देखता है।
तो इसी तरीके से अगर हम भारत में समर सोलस्टिस की बात करें तो हम जून 21 को सबसे लंबा दिन देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। लेकिन अगर हम बात करें उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर ऑब्जर्व करता है सबसे छोटा दिन साल का। तो ये हो गया, हमने देख लिया समर सोलस्टिस एंड विंटर सोलस्टिस। एक चीज़ और यहाँ पे हमें नोट करनी है कि जब समर सोलस्टिस यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर सोलस्टिस होगा, उस समय जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 6 महीने की डे लाइट ऑब्जर्व करता है और जो हमारा साउथ पोल है वो 6 महीने की नाइट लाइट ऑब्जर्व करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.